उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच युवा कल्याण एवं प्रांत विकास दल विभाग द्वारा विकास खंड नवाबगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, युवा कल्याण एवं प्रांत विकास दल विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ष के युवाओं में खेल की भावना व उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक प्रति वर्ष खेल का आयोजन होता है। इसमें एथलीट्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में खेल का आयोजन किया गया। वहीं खेल कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी नवाबगंज शैलेंद्र कुमार सिंह ने फीता काट कर किया, जिसमें नवाबगंज, चौकड़वा, बक्सी गाँव, हरिहरपुर, मनसुख गाँव, किसुम गाँव के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं बालक वर्ग के 100 मीटर दौड़ में नवाबगंज के मोहम्मद अहरम प्रथम स्थान पर, शिवम पाठक दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही 200 मीटर दौड़ में नवाबगंज की अहमद खान प्रथम स्थान पर एवं सैफ खान दूसरे स्थान पर रहे। वहीं इस अवसर पर युवा कल्याण खेल अधिकारी अजय गुप्ता, पीआरडी ब्लॉक कमांडर हरि प्रकाश पांडे, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला कार्य समिति के पिंटू गुप्ता मौजूद रहे। कौन सा कार्यक्रम हुआ है, किसके योजना से हुआ है? ये जो है आज ब्लॉक स्तरीय गेम हुए हैं, जिसमें खंड विकास नवाबगंज ने हिस्सा लिया है। और इस मतलब विधा की इसमें 5 विधा शामिल थी, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस। ये कहाँ कहाँ के बच्चे इसमें भाग लिए? ये ग्रामीण स्तर के, जो भी नवाबगंज से बाबागंज तक जो भी बीच में गाँव पड़ते हैं, जहाँ से प्रतिभाएँ आई हुई हैं, उनको एक साथ कराया गया है। इसमें विशेषकर वॉलीबॉल टीम जो हमारी जिला स्तर और जोन स्तर तक जाती है, वह शामिल हुई और उसमें अच्छा प्रदर्शन भी किया है उन लोगों ने, और उसके तहत हम लोग इनको जिला स्तर पर ले जाएंगे भी आगे। और कौन सा कार्यक्रम होना है अभी अभी? अभी अब यही कार्यक्रम अभी ब्लॉक स्तरवार हो रहा है, आने वाले मंथ में यही कार्यक्रम जिला स्तर पर होगा, उसके बाद ये दिसंबर में हम लोग इसको प्रांत स्तर पर भी कराएंगे जी। और उसके बाद यहाँ से जो प्रतिभाएं ग्रामीण स्तर से हैं, वो प्रदेश स्तर तक जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।